महाराष्ट्र सरकार को अब नहीं है कोई खतरा, कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से कस ली है कमर। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 97 लोगों की मौत। पिछले 8 दिनों में 543 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में मृत्यु दर 3.22%। देश में कोरोना के 150,768 केस। पिछले 24 घंटे में 6,387 मामले आए सामने, 170 की मौत, 60 मौतें केवल महाराष्ट्र में। कोरोना की दूसरी लहर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, महामारी का दूसरा दौर आएगा, सबसे सावधानी बरतने की गुजारिश। सरकार की दखलंदाजी के बाद 47% तक सस्ता हुआ N95 मास्क, पहले 150 से लेकर 300 रुपए में बिका करता था। कोरोना पर कांग्रेस का हमला, राहुल गांधी बोले, कोरोना जब तेजी से फैल रहा है तब लॉकडाउन हटा रहे हैं, अब तक के बंद का मकसद नाकाम रहा, देश नतीजे भुगतने को होगा मजबूर। कोरोना संकट की वजह से 2 महीने में मॉल्स को 90,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, 500 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हो सकते हैं बंद, SCAI ने मांगी राहत। जापान के एक्सपर्ट की चेतावनी, 2 साल से छोटे बच्चों के लिए खतरनाक है मास्क पहनना, इससे शरीर में गर्मी और दिल पर दबाव बढ़ता है। अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ, 33 दिन में मरने वालों की संख्या हुई दुगनी, दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित अमेरिका में ही। लॉकडाउन का आम के कारोबार पर पड़ा बुरा असर, अल्फांसो और केसर आम 3% हुए सस्ते, दशहरी आम हो सकता है 25% महंगा। अस्पताल में मनाया कोरोना संक्रमित बच्ची का पहला जन्मदिन, बच्ची ने PPE किट पहने माता पिता के साथ काटा केक। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह 30 मई को, सरकार कोरोना के बीच डिजिटल रैली करेगी, उपलब्धियां गिनाने के लिए 1,000 से ज्यादा होंगी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट फिर तेज, 31 मई से पहले 22 से 24 कैबिनेट और राज्य मंत्री ले सकते हैं शपथ। जम्मू कश्मीर में अगले महीने सलाहकार समिति बनाने की चर्चा, इसके चीफ के तौर पर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व PDP मंत्री अल्ताफ बुखारी का नाम आगे। लद्दाख में तनाव, प्रधानमंत्री मोदी ने NSA और CDSA की मीटिंग, सड़कों का निर्माण होगा जारी, चीन के बराबर ही रहेगी भारत के सैनिकों की भी संख्या। लॉकडाउन के बाद पहली बार कर्नाटक में 1 जून से खुलेंगे सभी मंदिर। आरोग्य सेतु से देश भर में 3,000 हॉटस्पॉट का चला पता। भारत में टिकटॉक के बुरे दिन शुरू, रेटिंग कम होने के बाद मार्च के मुकाबले मई में आधे से कम लोगों ने किए वीडियो डाउनलोड। कोरोना के साथ ही अब खेल को भी मिली इजाजत, दिल्ली के 2 स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू, क्षमता से आधे खिलाड़ी ही करेंगे अभ्यास, प्लेयर्स को लेनी होगी ऑनलाइन परमिशन। चीन को आखिर किससे खतरा है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा, सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखकर जंग की तैयारियां कर दे तेज। शेयर मार्केट सुबह 183 अंक ऊपर खुला, BSE शुरुआती ट्रेडिंग में 50 अंक तक नीचे गिरा, निफ्टी में भी आई गिरावट।